आज भी इनकी दुर्दशा दूर नहीं हुई है। ना तो इन्हें पीने का पानी मिला है, ना ही बिजली मिली है, ना ही आवास मिला है। आज ये मचानों पर रहते हैं। स्कूल नहीं रहने के कारण अनपढ़ है और सबके सब बेरोजगार भी। आखिर क्या है पोटका के सबर की स्थिति, देखिए हमारे इस रिपोर्ट में। मजबूरी है, घोर मजबूरी है इनकी। आदिम युग में जी रहे हैं 12 सबर परिवार। गंदे तालाब का पानी पीते हैं ये, लकड़ी के मचानों पर रहते हैं। मनरेगा ने इनसे बेईमानी कर ली, पीएम आवास इनकी परेशानी बन गई। नहीं मिला किसी को काम, नहीं मिला किसी को मकान, नहीं है पीने का पानी, बिजली भी नहीं, स्कूल भी नहीं। क्या आप अपने बच्चों को इस गड्ढे का पानी पिलाएंगे? नहीं ना। लेकिन देखिए ये पिता अपने बच्चों को किस प्रकार इस गड्ढे का पानी पिला रहा है। इस तालाब को ग्रामीणों ने खुद से खोदा है और जब जब गड्ढा भर जाता है ये साफ करते हैं। अब जरा ये मचान देखिए, इनके रहने की जगह है, इनकी झोपड़ियां भी हैं, लेकिन वो रहने लायक नहीं है और मचान इनकी मजबूरी बन गई है। बिजली पहुंचा कि नहीं पहुंचा? सड़क क्या स्थिति है? बिजली नहीं पहुंचे, किछु नहीं, इंदिरा आवास नहीं, कोनो नहीं। गांव का नाम है झरना कोचा, पोटका प्रखंड में आता है। यहां दर्जनों आदिम जनजाति सबर परिवार के लोग सदियों से बसे हुए हैं। गांव का दुर्भाग्य देखिए कि इस गांव तक पहुंचने का यही एकमात्र रास्ता है। गांव में स्कूल नहीं है, न बिजली है और न ही पानी की कोई व्यवस्था है। अब है तालाब तो नहीं, एक गड़िया है, इसी में पानी पी रहा है, जानवर भी पी रहा है और आदमी भी पी रहा है, नहा भी रहा है और गंदा भी यह कर रहा है और यही छन छन के लोग इतना पी रहे हैं। यहाँ सरकार की ओर से कोई यहाँ चपाकल भी नहीं है और यहाँ कोई और कोई दूसरा तालाब भी नहीं है। ग्रामीणों को न तो आवास मिला, न राशन मिला, न पेंशन मिली, न पानी मिला और न ही बिजली मिली। आज भी सबर परिवार आदिम युग में जीने को बाध्य है। जंगल की स्थिति तो बहुत दयनीय है, कंद फल मूल खत्म हो गया है, तो ऐसे स्थिति में वहाँ के बच्चा पढ़ लिख सके, वहाँ की स्कूल की व्यवस्था को ठीक ठाक कर दिया जाए। और यहाँ पानी का बहुत ज्यादा समस्या है और यहाँ देख रहे हैं यही तालाब है, इसी तालाब में ही सब माने गाय बैल बकरी सब पीते हैं। फिर जब जहाँ बैल बकरी वहाँ माने पी के पानी को गंदा कर देते हैं, फिर से उन लोग को माने पानी साफ करने के लिए पानी निकाल देना पड़ता है, लेकिन प्यास के बावजूद भी उन्हें पानी का इंतजार करना पड़ता है। आखिर इस आदिम जनजाति को इंसाफ कब मिलेगा? कब इन्हें बुनियादी सुविधा मिलेगी? क्या ये परिवार सदियों पुरानी जिंदगी यूं ही जीते रहेंगे? न्यूज 11 भारत के लिए पोटका से विद्या शर्मा की रिपोर्ट। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज 11 भारत, सच है तो दिखेगा।